खबर विदिशा के शमशाबाद से है, जहां शासकीय कन्याशाला के पास बनी शराब दुकान को हटाने के लिए छात्राओं ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से शिकायत की थी। रविवार को आयोग के अध्यक्ष शमशाबाद पहुंचे और स्कूल के साथ ही शराब दुकान के आसपास का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने पर प्रियंक कानूनगो भड़क गए और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने इस लापरवाही के लिए कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस देने की बात कही। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने आयोग के अध्यक्ष ने खुलकर बातचीत भी की। बाउंड्री वॉल बता? नहीं, ये बाउंड्री वॉल नहीं, ये बाउंड्री वॉल है क्या? नहीं नहीं, क्या पता तुम्हारा कौन पता है? स्कूल का, स्कूल कैंपस है का, बाउंड्री वॉल है क्या? कैंपस है सर, मेरा निवेदन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे बाउंड्री वॉल नहीं मानता सर। अपन जो है सर, एसडीएम साहब सर, उनसे कोई बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? ये बाउंड्री वॉल पे आगे चलिए, स्कूल के अंदर चलते हैं। आगे से आएगा सर, मैं आपको ले चलूं। छात्राओं से पूछा गया विदिशा जिले के शमशाबाद से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल की दीवार से लगकर, गर्ल्स स्कूल की दीवार से लगकर शराब की दुकान चलाई जा रही है। आज यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए, वस्तु स्थिति जानने के लिए मैंने खुद निरीक्षण किया तो सरकारी नियमों की झूठे तरीके से तोड़ मोड़ कर इंटरप्रिटेशन करने के माध्यम से अवैधानिक रूप से ये दुकान यहाँ चलाई जा रही है और प्रथम दृष्टया हमको इसमें सरकारी ऑफिसर्स की मिली भगत नजर आती है। मुझे उम्मीद है कि ये अधिकारी थोड़ी शर्म महसूस करेंगे और इस दुकान को हटाएंगे। अधिकारियों के संरक्षण में ठेक अभियान चलता है, ये तो शासन द्वारा जो दुकानें होती हैं उनका प्रतिवर्ष निविदा द्वारा टेंडर कराया जाता है। आबकारी नीति नियमों बदलने के अनुरूप दुकान अनुकूल स्थान पर है। कलारी के जस्ट पीछे कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, साइड में रैन वाली माता का मंदिर है, सामने भी एक नाथजी महाराज का मंदिर है। आए दिन यहाँ गदर होती है, जो शराबी रात में शराब पीकर स्कूल में क्वार्टर फेंकते हैं। कई बार इसको लेकर हमने धरना प्रदर्शन भी किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और कलारी नहीं हटी है।